हाँ माँ, तुझे दोपहर को फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? सो रही थी ना माँ। अच्छा, अंशुल कहाँ है? क्रिकेट प्रैक्टिस में, और कहाँ? अच्छा, तूने वो लखनऊ वाला बायोडेटा देखा? माँ कहाँ है ना, अभी नहीं देखना है। अरे देखने में क्या हर्ज है, फैमिली अच्छी है, लड़का भी डॉक्टर है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। पर आप लोग शिमला में एंजॉय करो ना, क्यों मुझे बोर कर रहे हो यार। अरे देख लेना एक बार। क्या? हेलो, क्या आवाज आ रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आ गया गरीबों का कोहली। और ये आज विराट बहुत ही गुस्से में पवेलियन की तरफ लौटते हुए, और ये फेंक दिया उन्होंने बैट, और ये गए उनके ग्लव्स। और इनको लगता है कि इनकी बड़ी बहन ये सब कुछ साफ करने वाली है, जो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंशुल, 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 दरवाजा खोल। अंशुल, लॉक क्यों कर रखा है? खोल। क्या ड्रामा है? तुम यहाँ कैसे? बाहर जाओ ना। अरे बताना क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? कोचिंग में कुछ हुआ है? अरे बता। जाने दो ना दीदी, क्या करोगी जानकर, और आप कुछ नहीं समझ पाओगी। किसी ने कुछ कहा है? थक गई हूं मैं। I just don't know what to do with myself. अरे पर हुआ क्या है? जो हर रोज होता है, कोचिंग के बाद सर ने सबको बोला चेंज करने के लिए, तो दो तीन लड़के आके बोलते हैं कि तुम्हें तो हमारे साथ चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम में और हम में डिफरेंस क्या है। कौन? वो राहुल और बंटी? रुक मैं अभी उनकी मम्मी को फोन करती हूं। दी, व्हाट्स द पॉइंट? और उनकी भी तो क्या गलती है? जस्ट लुक एट मी, आई एम अ ब्लडी टॉम बॉय। और मम्मी सही तो कहती है, मैं गलती से लड़की बनी हूँ, मुझे तो लड़का बनना चाहिए, लोगों के मुंह तो बन रहे हैं एटलीस्ट। तो ये सब तू इसलिए कर रही है? तो क्या करूं, लड़कियां मुझे चिढ़ाती है और यही लगाती है ना लिपस्टिक काजल। कर लिया मैंने, भोगी मैं लड़की। क्लास में घुसती हूँ तो लड़कियां कहती हैं कि आगे 21वां लड़का। असेंबली में लाइन लगाते टाइम लड़कियां मुझे बोलती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो लड़कों के साथ खड़ा रहना चाहिए। अरे पर तू ऐसी लड़कियों से दोस्ती क्यों करती है? किससे बात करूं दीदी? आपको क्या लगता है कि लड़के कम है? बाहर मैं क्रिकेट खेलने जाती हूँ तो लड़के मुझे बोलते हैं कि तुम्हें तो डबल बैटिंग मिलेगी। क्यों? जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गर्ल? और मुझे आज तक कैप्टन नहीं बनाया, इवन दो आई एम द बेस्ट प्लेयर। लड़ी जेलस लूजर्स, मन तो करता है बैट लेकर सर फोड़ दूं। मैं ना अब क्रिकेट और नहीं खेल सकती। आई हैव डिसाइडेड, आई एम गिविंग अप। क्या तेरा दिमाग खराब है? किसी ने दो बातें क्या बोल दी, तूने तो गिव अप भी कर दिया। God, you won't understand. अंशुल, तुझे किसने कहा कि जिन लड़कियों के छोटे बाल होते हैं वो लड़कियों जैसी नहीं होती, और जो लड़कियां लूज कपड़े पहनती हैं और जर्सी पहनती है वो लड़कियों जैसी नहीं होती? और वो लड़कियां जो फील्ड में खेलती हैं, गालियां देती हैं, बैट फोड़ती हैं, वो क्या लड़कों जैसी हो जाती हैं? वो टॉम बॉय हो जाती हैं? ये कहीं लिखा गया है क्या? It's very easy for you. मतलब ये कि आप सबसे बेस्ट हो, पढ़ाई में अच्छे हो, सुंदर हो, और पापा की परफेक्ट डॉटर हो। तुझे लगता है मेरी लाइफ परफेक्ट है? तुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ? चल, just come with me. मुझे come नहीं with me. आना। Just come with me. अरे जी, मुझे नहीं आ रहा है। Come. See this. ये क्या है? मेरी शादी का बायोडेटा। Height 5'4", रंग गोरा, हॉबीज कुकिंग और प्रोफेशन डॉक्टर। या सो दिस इज व्हाट यू आर? या दैट्स व्हाट आई एम, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू मी। द
देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट मी. मैं चाहूं भी तो उसको चेंज नहीं कर सकती हूं. पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया ही नहीं है. मेरे जैसी तो सैकड़ों लड़कियां हैं यार. देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट मी. और ये परफेक्ट डॉटर बनने के चक्कर में मैंने बस वही किया जो सही था. लोगों के लिए सही, मम्मी पापा के लिए सही, दोस्तों के लिए सही. द फैक्ट इज आई एम 26 इयर्स ओल्ड एंड आई डोंट इवन नो हु आई एम. आई एम सॉरी बट मेरा ये इंटेंशन नहीं था दीदी. अंशुल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स अ गुड थिंग यू आर डिफरेंट. हाँ, तू थोड़ी अलग है. तुझे लड़कों जैसे कपड़े पहनना पसंद है. तुझे लड़कियों के नेल पेंट से नफरत है. बट किसने कहा कि लड़कियाँ ऐसी नहीं होती? इज देयर ओनली वन वे ऑफ बीइंग अ गर्ल? पर दीदी, सिर्फ आप समझती हो. मम्मी पापा, स्कूल के लोग नहीं समझ पाते हैं. इट्स बिकॉज पीपल विल ऑलवेज बी अनकम्फर्टेबल अराउंड दोज हु आर डिफरेंट. अगर आज तू इन लोगों की जैसी हो जाएगी तो 10 साल बाद यू विल जस्ट बी अ पीस ऑफ पेपर. You're more than this. Never let go of your dreams, okay? Promise? Promise. चल तुझ पे ऐसे सूट नहीं करता. वॉलेट लेके आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं. ये सैड शक्ल है. Video. And if you did, make sure you share it with all the women who have gone against the odds and stood by their choices. And stay tuned to Blush for lots more exciting content. And please make sure that you subscribe, like, and share.